दीजिए क्या हुआ था, कैसे आपने? आप सवाल पूछिए, आई विल आंसर दैट। सर इतनी भीड़ कहाँ से आई? आपकी पुलिस को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, और फिर आप कैसे मैनेज किया? हमारी पुलिस को और हमारे इंटेलिजेंस को प्रॉपर तरीके से, जितना डिप्लॉयमेंट हमारे पास, मोर देन एनफ फोर्स था। हमने सर्वे कंडक्ट कराने के लिए डीएम साहब के जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो लेटर लिखा गया था, उसी के मद्देनजर हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयमेंट भी किया था। लेकिन अगर कोई ओवरनाइट किसी की प्लानिंग हो और उस प्लानिंग के तहत अगर कोई व्यक्ति सडनली गलियों में से, जब एक ही समाज के कम्युनिटी के लोग हैं, उनको कोई एक सीक्रेट मैसेज या कम्युनिटी के लिए अगर वो पहुंच जाता है, वो सब लोग आ जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंस फेलियर, दैट इज़ नॉट ए सिक्योरिटी फेलियर, दैट इज इवेंचुअलिटी, जिसके साथ डील करना पड़ता है। और उसके साथ उसी तरीके से डील किया गया पुलिस द्वारा। वहाँ पे टीयर स्मोक म्यूनिशन फायर किया गया पुलिस द्वारा। पहले बताया भी गया कि ये नाजायज मजमा है, मेरे स्वयं द्वारा बताया गया 3 बार कि आपका नजमा नाजायज है, आप लोग यहाँ से चले जाएं। उसके बाद टीयर स्मोक भी फायर किए गए और पैलेट गन्स भी हैं, वो भी फायर की गई हैं। आप कई जगह वीडियो के अंदर वायरल भी हो रहा है कि पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा आया, वो पैलेट गन का प्रयोग किया गया। पुलिस द्वारा किसी भी लीथल वेपन, जिससे कि किसी व्यक्ति की जान जा सके, पुलिस द्वारा ऐसा कोई भी वेपन है वो फायर नहीं किया गया है। इससे मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ। और इसके अलावा दो लोगों की जान गई है, 3 की डेथ हुई है, 2 की कहते हैं फायरिंग की वजह से हुई है। ओनली पोस्टमार्टम कैन टेल यू कि व्हाट इज द सिचुएशन, बट ऑब्वियसली हु इन हिज राइट सेंस विल फायर अपॉन ए पुलिस ऑफिसर टू हुम दे गो फॉर जस्टिस एवरी डे। कोई व्यक्ति अगर सामने उसको दिख रहा है कि भाई इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स, पुलिसमैन खड़े हैं, 200 पुलिसमैन खड़े थे, उसके बावजूद अगर उन लोगों में ऑडेसिटी है पत्थर फायर करने की, देन दे हैड डिसाइडेड कि वी विल बाय हुक और क्रुक विल गो एंड टेक ओवर द जामा मस्जिद एंड विल ट्रबल द सर्वे जो कर रहे थे। हमने अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहां पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस में लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है, तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के, 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के, इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं। और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है वो आगे की। उनके पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुआ है। हम लोगों के द्वारा जब जो संबल जो था जामा मस्जिद या हरियर मंदिर, जिसका जो डिस्प्यूट चल रहा है, उस डिस्प्यूटेड साइट से जब हम दूर आए, उस डिस्प्यूटेड साइट से दूर आने के बाद में वहाँ पे जब नॉर्मलसी की स्थिति हुई, तो वहाँ से चेज करते करते जो पत्थरबाज हैं, वहाँ से जब हम नखासा थाना क्षेत्र की तरफ आए, तो वहाँ पे एक घर के ऊपर से फायरिंग हुई छर्रे का, तो उसमें मेरे पीआरओ को भी पाँव में छर्रा लगा है और हमारे एक सीओ हैं उसको भी पाँव में गोली लगी है, और एक डिप्टी कलेक्टर है हमारी वो सीरियसली इंजर्ड हैं, जिनके फ्रैक्चर हुआ है, और करीबन 20 एक पुलिसमैन हैं जिनको अलग अलग तरीके से इंजरी हुई है। सब लोगों ने बहुत ब्रेवरी से आज का जो रेस्पॉन्स है वो दिया और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फोर्स। सर जिनको इजाजत मिली है उनसे वेपन रिकवर हुआ, अभी आपने बताया एमुनिशन में 32 बोर और 15 बोर के कार्ट्रिजेस, तो वेपन में क्या रिकवर हुआ? वेपन भी वही है जो 32 बोर 15 बोर इस तरीके के, बिल्कुल राइफल नहीं होती है, वो तमंचा होता है, कंट्री मेड वेपन। फिगर कुछ होगी कितनी टोटल? जो वो अभी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई कैन आई कैन नॉट रिवील इट हियर, बट लोगों को हिरासत में लिया है उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया, बट जो वीडियो जो वायरल हो रहा है दैट इज अ पैलेट गन, आई कैन आई वांट टू टेल एवरीबॉडी दैट इज अ पैलेट गन एंड इट शुड बी नोटेड वेरी वैलिडली एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी लीथल वेपन व्हिच कैन कॉज हार्म टू एनीबॉडी। सर जिन लोगों को हिरासत में 21 डिटेन्ड बिकॉज एफआईआर इज येट टू बी रजिस्टर्ड। जिन लोगों को डिटेन किया है उनसे पूछताछ में, उनमें से 2 महिलाएं हैं, मैं बता रहा था, महिला के द्वारा और उनके परिवार, जहां वो घर भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, वहां से ऊपर से छर्रे का फायर भी आया और बाल बाल बचे हम लोग, और उसके बाद में वहां पे ऊपर से पत्थरबाजी की गई जहां पे डीआईजी साहब, डीएम साहब सब लोग मौजूद थे, और बाद में वहां से उस घर से 2 महिलाओं को जो है हिरासत में लिया गया और अभी थाना गया। मैं यस सर बिल्कुल, दैट इज अ पैलेट गन एंड आई वांट टू स्टेट इट वेरी वेरी क्लियर दैट पैलेट गन्स आर नॉट लीथल वेपन्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट वेरी क्लोज एनकाउंटर वेयर इट इज लाइक।